हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारी महासीरीज में, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी हद तक सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की जो पूरी, आप हो सकते हैं कि आप अपने लेवल पर कई बार चीज़ें नहीं कर पाते, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली यूपीएससी स्टेट पीसीएस को समझने के लिए कि उनकी डिमांड क्या है। इसलिए उसकी पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है, डेली बेसिस पे आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 1995 से लेकर के अब तक के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली एक आपको फायदा जरूर होगा। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है अभी तक, जिसमें पॉलिटी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हम पार्लियामेंट को भी जल्दी ही खत्म कर लेंगे। और इकोनॉमी के अंतर्गत आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, राष्ट्रीय इनकम और आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो किस तरीके से इकोनॉमी में होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर उनसे जुड़े हुए होते हैं, इसको बेसिक से समझेंगे। और ये आपके लिए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको इकोनॉमी को समझने के लिए बेसिकली ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। इसलिए आपके ये चीज़, ये पूरा चार्ट है, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से ग्रस्त उत्पादक सरकार है ना, ये कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से हितधारक शामिल होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ हम समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो आंसर राइटिंग की भी कुछ वीडियो, आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आपके साथ डाले जा रहे हैं, उनको देखें, उनको आंसर राइटिंग करें, सारी चीज़ें करें, प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपकी जो तैयारी है 2023 में होने वाली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार करें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट है कंटिन्यूस को देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत। तो हमारा टॉपिक बेसिकली, अगर मैं बात करूँ आपसे बात, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा देरी से आपको देखना है। टॉपिक है हमारा, अगर मैं बात करूँ, आर्थिक क्रियाकलाप एंड नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय इनकम। अब नेशनल इनकम के मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फैक्टर होते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम यह समझेंगे, जानेंगे और फिर उनको विस्तार से देखेंगे। तो अगर किसी भी इकोनॉमी की हम बात करें, किसी भी दुनिया की इकोनॉमी की, तो आर्थिक क्रियाकलापों में ध्यान रखना, आर्थिक क्रियाकलापों में 5 मुख्य स्टेक होल्डर होते हैं, 5 मुख्य स्टेक होल्डर होते हैं, जिनमें एक होता है गृहस्थ यानी कि अहम, जो कॉमन आदमी है, एक होता है उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, एक होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो उधार देना, बचत उधार लोन देना और सेविंग को डिपॉजिट करने के रूप में काम करती है, इनको हम समझेंगे, एक गवर्नमेंट जो पूरा उसको मॉनिटरिंग करती है, रेगुलेटिंग करती है, और एक दुनिया शेष वर्ल्ड जिनके साथ हम आयात और निर्यात करते हैं। वो 5 स्टेक होल्डर किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में जनरली शामिल होते हैं। लेकिन यदि कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, आपने सुना होगा क्लोज्ड इकोनॉमी को बोलते हैं बंद अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि ये इकोनॉमी किसी अन्य देश के साथ ना तो आयात करते ना निर्यात करते, सारा इंटरनल लेवल पे ही काम करते। जैसे कि आपने देखा होगा यूएसएसआर की इकोनॉमी 1991 से पहले पूरी तरह एक तरह से क्लोज इकोनॉमी थी, उसका किसी अन्य कंट्री के साथ ज़्यादातर ओपन नहीं था। इंडिया की इकोनॉमी ठीक इसी प्रकार से थी कि ज़्यादा कोई ओपन नहीं थी किसी अन्य कंट्री के साथ, लिमिट लेवल में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके आर्थिक क्रियाकलाप, उसके इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वगैरह ऐसी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा नहीं थी 1991 के बाद। फिर वर्तमान में आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो हर इकोनॉमी एक दूसरे की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, इसलिए दुनिया में वर्तमान कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं आती। तो ये 5 फैक्टर, ये 5 जो हितधारक है किसी भी इकोनॉमी में शामिल होते हैं। अब इनको हमें समझना है, चार्ट को कैसे समझना है वो मैं बताता हूँ, एक थोड़ी जगह खाली देख के देखो। देखो आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो 5 हितधारक शामिल होते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं गृहस्थ, दोस्तों गृहस्थ, और एक होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर होता है वो, ये होता है प्रोड्यूसर और ये होता है हाउस होल्ड यानी हम सभी जो कॉमन आदमी होते हैं, सारे हम हाउस होल्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि
कोई भी उत्पादक उत्पादक करेगा तो उत्पादन क्रिया के अंतर्गत उसको साधनों की जरूरत पड़ेगी। भाई उत्पादन अचानक से तो होगा नहीं, कुछ उस पर इनपुट साधन की जरूरत पड़ेगी। तो ये उत्पादक इनपुट साधन कहाँ से लेगा? गृहस्थ से। इनपुट साधन कौन देगा? भाई इसको जो भी इनपुट साधन चाहिए वो गृहस्थ देगा। और जो भी इनपुट साधन है, और कौन कौन से उत्पादन के इनपुट साधन कौन कौन से होते हैं, इसमें आप सभी जानते हैं, एक तो भूमि, एक श्रम, एक पूंजी और उद्यम। ये चार उत्पादन के साधन हैं जो यहीं से आते हैं गृहस्थ से। क्योंकि दोस्तों भूमि भी यहीं से आती है, कोई किसी की खरीद करके कोई कंपनी लगाते हैं। श्रम लेबर भी इन्हीं में से होते हैं, यानी कि हम लेबर यहीं से लेते हैं। पूंजी, कोई भी पूंजी है वो कोई व्यक्ति जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो भी चूंकि खुद भी एक हाउस होल्ड है। मैं भी अगर मेरी कंपनी स्टार्ट करूंगा या उत्पादन के क्रियाकलाप में मैं भागीदार लूंगा, तो उससे पहले मैं एक हाउस होल्ड हूँ। जब तक मैं आर्थिक क्रियाकलापों का उत्पादन करूंगा और वस्तुओं का उत्पादन कर दूंगा, तब जाकर के मैं उत्पादक की श्रेणी में आऊंगा। लेकिन तब तक तो मैं क्या होता है, खुद भी तो एक हाउस होल्ड के रूप में भूमि करने वाला। और एक उद्यमी जो स्टार्टअप करने वाला होता है, जो स्टार्टअप करने होता है, जो रिस्क लेने वाला होता है, जो इनोवेटिव होता है, जो आइडियाज लेके आता है, वो सब कहाँ से आएंगे? इस गृहस्थ से, हाउस होल्ड से आते हैं। जब किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में चार साधन लगेंगे तभी जाकर के उत्पादन होगा। तो गृहस्थ को ये क्या देता है? ये देता है। अब भाई जब गृहस्थ ने उत्पादक को अपने साधन दिए, तो उत्पादक इनके बदले में गृहस्थ को कुछ तो देगा। तो भूमि के बदले क्या देगा? लगान। भूमि के बदले क्या दे रहा है दोस्तों? लगान। श्रम के बदले क्या देगा? मजदूरी। भाई अगर कोई लेबर लगेगा तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। पूंजी के बदले क्या देगा? इंटरेस्ट। अगर किसी से इन्होंने उधार लिया है, लोन लिया है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उद्यमी जो उद्यम को स्टार्ट करेगा उसको क्या मिलेगा? लाभ। इस प्रकार से एक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत गृहस्थ और उत्पादक के बीच में संबंध पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादक गृहस्थ। तो अभी उत्पादन क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने दो चीज देखी, एक गृहस्थ और एक उत्पादक। तो किस तरीके से बात होती है? तो ये मुख्य रूप से सुखा देता है, इसको लैंड देगा, ये इसको लेबर देगा, ठीक है ना? तो किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन के लिए चार साधनों की जरूरत होती है। ये कैपिटल देगा और ये एंटरप्रेन्योरशिप देगा। इसके बदले ये इसको रेंट देगा, ये इसको बेच देगा, ये इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, और ये इसको प्रॉफिट। तो ये उत्पादन की क्या होते हैं? लागत साधन। ये उत्पादन में लगेंगे, ये क्या है? लागत। ध्यान रखना। अब एक चीज इसमें से थोड़ी समझ लें, उत्पादक के लिए ये साधन क्या होते हैं? लागत। लेकिन गृहस्थ के लिए साधन क्या होती है? उसकी इनकम। जैसे अगर एक श्रमिक या उत्पादन क्रियाकलाप में शामिल हुआ, तो उसको जो कंपनी, उसको जो लेबर देगी, जो मजदूरी देगी, वो इसकी किस में शामिल करेगी? लागत में। लेकिन जब ये श्रमिक को मजदूरी मिलेगी तो ये इस गृहस्थ की क्या होगी? इनकम। इसलिए उत्पादक की उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जो लागत होती है वो गृहस्थ के लिए इनकम के रूप में काम करती है, ठीक है ना? जैसे किसी की भूमि है, अगर भूमि इसको किराए पे दिए तो उत्पादक के लिए वो रेंट होगा, रेंट उसका क्या होगा? कॉस्ट। जबकि ये रेंट जब ओनर को मिलेगा, हाउस होल्ड को, तो उसके लिए क्या होगी? इनकम। तो इसलिए इसका जो उत्पादक के इनपुट कॉस्ट होती है और उनकी इनकम होती है। ये आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत उत्पादक और गृहस्थ का ही संबंध होता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझने, थोड़ी सी अंदर जाने से पहले इसको पूरा नहीं मिटाते, ठीक है? तो ये दो चीज आप समझ गए होंगे कि उत्पादक और इनका क्या संबंध होता है मोस्टली। इनको साधन दे दिया, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ठीक है? और इसके बदले इसको मिल गया, ये आर्थिक क्रियाकलाप में उत्पादक। लेकिन दोस्तों जब ये उत्पादक उत्पादन कर देगा तो वस्तुएं और सेवाएं किसको देगा? इसको। भाई उत्पादक की जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करने के बाद वो किसको बेचता है? डिमांड, जिनसे अपने गृहस्थों को, हाउस होल्ड लोगों को बेचता है। तो ये आपको पता है गृहस्थ एक कंज्यूमर के रूप में भी काम करता है। ये क्या करेगा? जब वस्तुएं सेवाएं क्या करेगा? खरीदेगा, तो इसके बदले इसको क्या देगा? पेमेंट करेगा। भाई जो वस्तु इसने खरीदी होगी इसके बदले उत्पादक को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अर्थात गृहस्थ का खर्चा या गृहस्थ का उपभोग उत्पादक की इनकम बन जाएगी। क्योंकि इसलिए ध्यान रखना कि यदि हमारे लोगों की लोग हैं
जो उनकी डिमांड ज्यादा होगी तो उत्पादक उन क्रियाकलापों का उत्पादन ज्यादा करेगा और उत्पादक के लिए प्रॉफिट देगा। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादक और गृहस्थ का संबंध होता है। लेकिन दोस्तों, जब गृहस्थ के पास मान लें इनकम ज्यादा हो गई और खर्चा इसका थोड़ा कम है, ऐसी स्थिति में इसके पास आएगी सेविंग। अब ये सेविंग कहाँ करेगा, तो इसके लिए आएंगी वित्तीय संस्थान। इसके लिए क्या आएंगी, वित्तीय संस्थान। ये वित्तीय संस्थान यानी कि बैंक, नॉन बैंक, जो विभिन्न प्रकार के बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, जो भी चीज है, जो सारी वित्तीय संस्था करेंगे। तो ग्रस्त क्या करेगा, अपनी सेविंग को इसमें क्या कराएगा, जमा कराएगा, बचत। जैसे किसी को मान लो इनकम, किसी ने ऑफिस में काम किया, उसको ज्यादा इनकम मिल गई, तो अपनी सेविंग बैंक में जमा करवा देगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार मान लो उत्पादक के पास इनकम ज्यादा हो गई, तो वो भी अपने बैंक, अपनी सेविंग कहाँ जमा करवाएगा, बैंक में। तो ये भी अपनी सेविंग कहाँ जमा करवाएगा, बचत, वित्तीय संस्थानों, बैंकों के अंतर्गत, ठीक है ना। अब एक चीज और समझनी आपको छोटी सी, कि मान लें कोई गृहस्थ है जिसको गाड़ी खरीदनी है, तो अगर आप बात करें कि मान लें गृहस्थ है, अब गृहस्थ को मान लें इनकम इसकी ज्यादा नहीं है, अचानक से इसको गाड़ी खरीदनी पड़ गई, इसको व्हीकल खरीदना पड़ गया, तो क्या चाहिए, इसको लोन लेना है। तो गृहस्थ क्या करेगा, बैंक से क्या लेगा, उधार लेगा। तो बैंक का दो काम होता है, बैंक एक वित्तीय संस्थान होती है जो जमा को स्वीकार करती है और उसके बदले में लोन भी देती है, ठीक है ना। तो ये जो बचत है ये बैंक में क्या हो जाएगी, जाके जमा दोस्तों, ठीक है ना, और ये हो जाएगा उधार। तो गृहस्थ बैंक से उधार भी लेगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसी प्रकार से जब उत्पादक को निवेश के लिए जरूरत पड़ेगी, ये भी उधार लेगा। इसलिए आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों का रोल मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो किसी भी प्रकार से जमाएं स्वीकार करता है और उनको निवेश के रूप में कुछ लोन भी प्रोवाइड कर पाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे आर्थिक क्रियाकलाप में ये चीज। अब एक फैक्टर आता है गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट क्या करती है। तो दोस्तों आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली देखते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखो उत्पादक जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो उत्पादक को भी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स देना पड़ेगा, जैसे GST, ठीक है ना, यानी कि टैक्स। तो गृहस्थ जो उत्पादक है वो सरकार का देगा, टैक्स देगा, ठीक। इसी प्रकार से कोई गृहस्थ जिसकी इनकम एक ट्रस्ट से, मतलब जिसकी इनकम एक टैक्स के दायरे में आ जाएगी, जैसे कोई सैलरी पर्सन है उसकी इनकम अगर 5 लाख से अधिक हो जाएगी तो इसमें आ जाएगी टैक्स के दायरे में, तो गृहस्थ भी क्या देगा, सरकार को टैक्स देगा। तो सरकार का काम है कि वो कंपनियों से और ग्रस्त लोगों से टैक्स लेगी। अब कंपनियों से कॉरपोरेट टैक्स भी हो सकता है, कंपनियों का इनकम टैक्स के अंतर्गत कॉरपोरेट टैक्स है, GST भी हो सकती है। तो ये कहाँ से लेगी सरकार, उत्पादक और इनसे, ग्रस्तों से। अब सरकार का एक रोल है कि सरकार क्या है कि एक जनकल्याणी कार्य के रूप में ग्रस्त के लिए विभिन्न प्रकार की क्या देती है, सब्सिडी देती है। मतलब सब्सिडी इन द सेंस कि वो हस्तांतरण इनकम देती है, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें तो पेंशन ग्रस्त के लिए जनकल्याणकारी योजना है, आपने देखा होगा, पेंशन देती है, ठीक है, छात्रवृत्ति देती है। तो ये क्या देती है, इसको बोलते हैं हस्तांतरण इनकम, जो एक तरह से हस्तांतरण इनकम हुआ कि जिसके बदले में सरकार को कुछ लेगी नहीं, सरकार फ्री में देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये होती है हस्तांतरण आय। तो हस्तांतरण इनकम देगी किसको, ग्रस्त हूं, जैसे गरीबों के लिए, कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप चलाती है, पेंशन देती है बुजुर्गों के लिए। तो आर्थिक क्रियाकलाप में इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते, ठीक। इसी प्रकार से आपने सुना होगा PLI, प्रोडक्ट लिंक स्कीम, जो इंसेंटिव है, PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, यानी कि सब्सिडी टाइप में, कि कोई कंपनी अच्छा उत्पादन करेगी हम उसको सब्सिडी देंगे, MSME है उनको सब्सिडी देंगे। तो सरकार उत्पादक को क्या देती है, सब्सिडी देती है, किसी ध्यान रखना। तो सरकार उत्पादक को वो अच्छा उत्पादन करे इसके लिए क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो दोस्तों उत्पादक को क्या मिलेगी, सब्सिडी। लेकिन एक चीज और आपने देखी होगी इसमें, एक क्रियाकलाप को और आगे बढ़ाएंगे, तो देखो जब ये वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करता है उत्पादक, तो इनको सरकार भी खरीदती है, क्योंकि सरकार को भी टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, अपना घर, मतलब सरकार को भी अपना इंफ्रा लगाने के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, किससे, उत्पादक से। सरकार बहुत सॉफ्टवेयर कंपनियों से विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर खरीदती है ताकि वो अपने चीज को चला सके। तो वस्तुएं सेवाएं कहां से खरीदेगी, उत्पादक से। तो इसके बदले में दोस्तों सरकार इसको क्या देगी, रुपये पेमेंट करेगी, जो भी खरीदेगी उसको पेमेंट तो करेगी, क्योंकि सरकार को पेमेंट तो करना ही, जो भी खर्चेगी। तो इस प्रकार से सरकार और उत्पादक, सरकार और गृहस्थ के बीच में संबंध होता है।
लेकिन अगर कोई इकोनॉमी मान लें, अगर हम सेल्स वर्ड से जुड़े हुए मान लें, अगर हम किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत अगर सेल्स वर्ड से जुड़े हुए, तो दोस्तों सेल्स वर्ड का मतलब भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ हम आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे। तो गृहस्थ क्या करता है, आपको पता है हमारे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें कि बहुत सारे लोग वहाँ लेबर के रूप में काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन के रूप में काम करने जाते हैं, ठीक है। तो ये गृहस्थ है, ये क्या करता है, गृहस्थ विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है उनमें शामिल होता है, किसके अंतर्गत, अनसेस वर्ड के साथ। जब आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल होगा तो अपना जो श्रम देगा, अपनी जो इनपुट कॉस्ट देगा, अपना जो इनपुट देगा उसके बदले में विदेशों से क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो इसमें दो चीज होती है, देखो ये है इंडिया, ठीक है, और ये मान लें हम पश्चिम एशिया के देशों को ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया और पश्चिम एशिया के देशों की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लें हमारा कोई व्यक्ति जो पश्चिम एशिया में आपने देखा होगा सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, ये काम करने के लिए गया, ठीक है, इसके बदले कुछ पश्चिमी एशिया के व्यक्ति भी हमारे पास काम करने के लिए आते। तो मान लें जो हमारे पास काम करने के लिए आए उनको हम पैसे देंगे, और जो हमारे लोग वहां काम करने के लिए गए उनको पैसे मिलेंगे। मान लें हमारे यहाँ काम करने आए 10 व्यक्ति और उनके वहां काम करने गए 20 व्यक्ति, इनकी इनकम 1000 रुपये हुई, इनकी इनकम 2000 रुपये हुई। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास नेट इनकम कितनी होगी, तो 2000 माइनस 1000 इसको बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसलिए इसको बोला जाता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये किसको मिलेगी, गृहस्थ को, कहां से, सीएस फर्स्ट। यदि किसी देश के ज्यादातर लोग बाहर एक्टिविटीयों में शामिल होंगे तो उस देश की नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ज्यादा होगी, ये बात सही है। इसलिए गृहस्थ का सीएस फर्स्ट के साथ संबंध लेबर के रूप में होता है, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में होता है, एम्प्लॉय के रूप में होता है। तो वो सारी इनकम जो भारत में आएगी वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या होती है, क्योंकि इन्होंने फैक्टर साधन लगाए वहां, कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय के रूप में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, तो जो एक काम कर रहा है इसके बदले में वहां के जो कंपनी है या कोई सरकार है उनको क्या देगी, फंड देगी, पैसा देगी, सैलरी देगी। तो वो फिर हमें नेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हमारे लोग कितने गए और उनके लोग कितने आए। उसमें जो अगर हमारे लोग ज्यादा गए, ज्यादा इनकम आई तो हम प्लस में जाएंगे, और हमारे लोग कम गए तो कम इनकम आई तो हम माइनस में जाएंगे। इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये होती है किसके साथ, गृहस्थ के साथ शामिल, ठीक है। इसके अलावा मान लें आपने सुना होगा कि दोस्तों एक ट्रांसफर इनकम भी होती है, ये कैसे होती है, ट्रांसफर इनकम हुई हस्तांतरण इनकम। देखो एक तो हमारे यहाँ लोगों को सब्सिडी, सॉरी यहाँ लोगों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, पेंशन, चंदा, बहुत सारी चीज एक तो घरेलू लेवल पे लोगों को दी जाती है। लेकिन कुछ जैसे आपने सुना होगा बहुत, जैसे बिल गेट्स है, तो बिल गेट्स बिहार में आया वहाँ चंदा देके चला गया। तो इसी प्रकार से बहुत विदेशी जो बहुत सारे फंड होते हैं, विदेशी मतलब विदेशी बहुत सारे आपने देखा होगा, विदेशी कई इंस्टीट्यूट है, कई एनजीओ है जो भारत में आकर के चंदा ऐसी चीजें देती है। तो इसमें क्या होता है कि हस्तांतरण इनकम में चंदा है ना, या छात्रवृत्ति अन्य देशों के साथ, अन्य देशों से, और कुछ हमारे लोग भी बाहर जाकर के देते हैं। जैसे आपको पता है नेपाल में बाढ़ आई, हम भी चंदा देख, हमारे बहुत सारे सुपरस्टार है, बहुत सारे जो फेमस इंडस्ट्रियस्ट है उन्होंने नेपाल में जाकर के विभिन्न प्रकार के क्या दिया, दान दिया, चंदा दिया। तो अगर मान लें हमारे यहाँ से चंदा ज्यादा गया, विदेश से चंदा कम आया, तो हम नेट, इसको बोलेंगे नेट ट्रांसफर इनकम, इनकम पेमेंट बोलते हैं इसको, NPNTP, नेट ट्रांसफर पेमेंट। एक एक को हम दोबारा समझेंगे, अभी जस्ट एक चित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट, यदि हमारे यहाँ चंदा ज्यादा प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ छात्रवृत्ति लोगों को ज्यादा मिली, हमारे लोगों को हस्तांतरण इनकम ज्यादा मिली बजाय बाहर जाने के, मतलब विदेश में कम गई, तो उसका अगर ज्यादा हमारे पास आया तो ये होगा नेट ट्रांसफर पेमेंट हमारा प्लस में होगा। और यदि हमारे लोगों ने ज्यादा चंदा दिया और विदेशी लोगों ने हमें कम दिया तो इसका मतलब नेट ट्रांसफर पेमेंट हमारा नकारात्मक आया। तो एक ये चीज इसमें शामिल होती है, ये एक आर्थिक क्रियाकलाप है। शेष विश्व के साथ कौन करता है, तो शेष विश्व के साथ कौन करेगा दोस्तों, गृहस्थ करेगा। कौन करेगा, गृहस्थ करेगा शेष विश्व के साथ। तो शेष विश्व के साथ गृहस्थ दो तरह का आर्थिक क्रियाकलाप करता है। इनको हम फिर चित्र को एक बार और समझेंगे, इसको एक तो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक नेट ट्रांसफर पेमेंट।
अब उत्पादक शेष विश्व के क्या काम करता है? तो दोस्तों ये तो आयात करेगा वस्तुओं का, या वस्तुओं क्या करेगा निर्यात करेगा। और यदि वस्तुओं का आयात और निर्यात, अगर मान लें ये निर्यात इसने ज्यादा किया तो निर्यात प्राप्ति इसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। अगर हमारे उत्पादक वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करें बजाय आयात के, तो उसका निर्यात प्राप्ति ज्यादा होगी। और यदि मान लें आयात ज्यादा करें और निर्यात कम करें तो आयात प्राप्ति ज्यादा होगी। तो शेष विश्व के साथ जो उत्पादक है वो क्या एक्टिविटी करेगा? आयात और निर्यात की। और गृहस्थ वो क्या एक्टिविटी करेगा? वो फैक्टर कॉस्ट फैक्टर है वो प्रोवाइड करवाएगा, उसके बदले उसको इनकम मिलेगी या उसको चंदा वगैरह है, सब ये चीजें हैं वो उनको मिलेगी। इस प्रकार से एक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दोस्तों 5 फैक्टर शामिल होते हैं। अब इसको हम चित्र को एक बार समझते हैं, जो ये मैंने आपको अभी बताया है, एक बार इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये चित्र है, आपके सामने बना हुआ है, जो मैंने बनाया वो सेम टू सेम वही है। देखो गृहस्थ है और ये उत्पादक है। गृहस्थ उत्पादक को क्या क्या चीजें देता है? देखो एरो देखो, भूमि देता है, पूंजी देता है, श्रम देता है और उद्यमी देता है। उद्यमी मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करता है वो। जब ये इसको देगा, इसको देगा जब ये उत्पादन करेगा, तो इसके बदले में उत्पादक इनको भी देता है। भूमि के बदले लगान देगा, भाई लगान ले, पूंजी के बदले ब्याज देगा, श्रम के बदले मजदूरी देगा और उद्यमी के बदले लाभ देगा। तो ये गृहस्थ का तो ये क्या हो गया, ये चीजें जो ऊपर ये चारों चीजें हैं, ये उत्पादक के लिए तो कॉस्ट हो गई और गृहस्थ के लिए इनकम हो गई। ध्यान रखना, तो ये गृहस्थ और उत्पादक के रूप में शामिल है। इसके बदले ध्यान रखना, जब उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो ये गृहस्थ को क्या देगा? वस्तुएं और सेवाएं देगा। इसके बदले गृहस्थ इसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो ये तो संबंध होता है गृहस्थ और उत्पादक के साथ। लेकिन इसी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम और आगे बढ़े, तो मान लें गृहस्थ के पास पैसा ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा? बैंकिंग संस्थानों में जमा करेगा, वित्तीय संस्थान का रोल आ जाएगा। वित्तीय संस्थान जो मुख्य रूप से जमा को स्वीकार करती है, उधार प्रदान करती है, तो गृहस्थ क्या करेगा? जमा को इसमें वित्तीय संस्थान जमा करा देगा। और यदि इसको मान लें कभी बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, किसी प्रकार को अन्य प्रकार की चीज खरीदनी है, तो ये इससे क्या ले लेगा? उधार ले लेगा। ठीक है, तो इस गृहस्थ का वित्तीय संस्थान के साथ इतना संबंध हो। जैसे मान लें SBI है, ठीक है, SBI में अगर मान लें किसी की सैलरी ज्यादा आ गई तो जगह करा देगा, जमा करवा देगा, या उसमें शेयर मार्केट में जमा कर देगा, निवेश कर देगा, ताकि उसको एक टाइम के बाद बढ़िया रिटर्न मिल जाए। और जब मान लें किसी व्यक्ति को होम लोन की जरूरत पड़ी तो SBI क्या ले लेगा? होम लोन ले लेगा। ये इस प्रकार के आर्थिक ये एक्टिविटी करता है वित्तीय संस्थान के साथ। ठीक है, इसी प्रकार उत्पादक का क्या रोल रहता है? मान लें कोई उत्पादक है, कोई कंपनी ने बढ़िया प्रोडक्शन किया, लाभ हो गया और बैंक उसको बढ़िया ऋण दे रहा है, तो बैंक में क्या करवा देगा? जमा करवा देगा। और मान लें कोई कंपनी उसको निवेश करने की जरूरत पड़ी है तो कंपनी क्या कर लेगी? उधार ले लेगी। तो इस प्रकार उत्पादक और गृहस्थ का जो वित्तीय संस्थान है, जो बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, शेयर मार्केट है, ये सारी वित्तीय संस्थानों के साथ इस प्रकार का संबंध होता है। अब इसमें सरकार का क्या रोल रहता है? तो वो मैंने बताया, फिर बता देता हूँ। ये सरकार, अगर हम सरकार की बात करें तो देखो गृहस्थ के पास अगर ज्यादा उत्पादक है तो उत्पादक सरकार को क्या देगा? टैक्स देगा, जैसे कॉरपोरेट टैक्स में होगा अपने, या GST। ये कौन देती है? कंपनी देती है, जो उत्पादन करता होते हैं। और इसके अलावा जो हाउस होल्ड होते हैं वो इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, इनकम टैक्स वो हम ही भरते हैं, तो इनकम टैक्स भरेंगे, तो इस प्रकार सरकार को टैक्स प्राप्त होगा। लेकिन सरकार चूंकि जनकल्याणकारी रूप में क्या करती है? विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं वो गृहस्थों को प्रोवाइड करती है, जैसे स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति, पेंशन स्कीम्स, बुजुर्ग पेंशन, ठीक है ना, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन, ये सारी चीजें जो जनकल्याणकारी जो चीजें हैं, ध्यान रखना वेलफेयर गवर्नमेंट हमेशा ये करेगी, जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट है वही काम करेगी। तो ये गृहस्थ को विभिन्न प्रकार की हस्तांतरण इनकम प्रोवाइड करवाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किसको देती है सरकार? गृहस्थ को, ठीक है। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे कि आपने COVID-19 के दौरान देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, MSME की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो सरकार द्वारा उत्पादकों को भी विभिन्न प्रकार क्या दी गई? सब्सिडी दी गई। और उसी के लिए हम PLI को लेके आए, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, यानी कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, तो उसको एक निश्चित प्रोडक्शन के बाद एक निश्चित सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सरकार उत्पादक को सब्सिडी देती है। कई बार वो आपने देखा उत्पादक किसान एक उत्पादक होता है तो उसको उर्वरकों में सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी, इसी प्रकार कोई कंपनी है तो उसको लैंड को लेने में सब्सिडी, उसको मतलब आर्थिक क्रियाकलापों को स्टार्ट करने के टाइम पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों में सब्सिडी दी जाती है, ताकि वो सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन करें। MSME को आपने देखा होगा, हाल फिलहाल MSME को लोन को लेकर के सब्सिडी दी जाती है, ताकि वो उत्पादन क्रियाकलापों को आर्थिक बने। तो सरकार का रोल
उत्पादकों को भी आगे बढ़ाने का रहता है और सरकार का रोल गृहस्थों को भी आगे बढ़ाने का रहता है। अब इनको और समझेंगे अच्छे से दोस्तों। जैसे अगर COVID-19 से मैं जोड़ के देखो इसको, तो COVID-19 में दो चीजें, डिमांड भी एकदम से एक टाइम के बाद डिमांड भी कम हो गई आपको पता है, और सप्लाई भी कम हो गई, और इससे हमारी आर्थिक मंदी या हमारी इकोनॉमी डाउन। तो सरकार ने क्या रोल निभाया, देखो गृहस्थ क्या करते, डिमांड खड़ी, और उत्पादक क्या करते दोस्तों, सप्लाई। तो सरकार ने दो तरीके से अपने चीजें अपनाई, और सरकार की जो तरीके की चीजें होती है इनको बोलते हैं राजकोषीय नीति, ध्यान रखना। और RBI जब इस नीति को अपनाती है इसको बोलेंगे हम मौद्रिक नीति, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, सरकार ने दोस्तों इसमें क्या किया कि गृहस्थ इनकी इनकम बढ़ाने के लिए पेंशन बढ़ा दी, क्योंकि लोगों की जेब में जब पैसा जाएगा तो अपने आप लोग डिमांड करेंगे, खर्च करेंगे, विभिन्न योजनाओं को लागू कर दिया। तो COVID-19 के अंतर्गत आपने सुना होगा कि बहुत सारी पेंशन लोगों को पेमेंट करना, 500 रुपीज देना, किसानों को 2000 रुपये देना, ये सारी चीज़ क्या है, क्योंकि जो लोगों को इनकम जाएगी वो डेफिनेटली उनकी डिमांड के रूप में वापस आएगी। इसी प्रकार से उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार PLI को लेके आई, MSME उनको विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी, भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, निवेश करो, ठीक है, जिससे हमारे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़े। तो इस प्रकार से सरकार का काम ये होता है किसी भी टाइम पर इकोनॉमी को बैलेंस में लाने के लिए। इसलिए दोस्तों आर्थिक क्रियाकलाप बिना गवर्नमेंट के ढंग से नहीं चल सकते, और यहीं पर आती है केनेशियन, अगर आपने पढ़े होगा केनेशियन थ्योरी है, वो यहीं पर आती है। केनेशियन थ्योरी कहती है कि किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए सरकार एक अहम रोल निभाती है, इसलिए आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और सरकार इन दो लेवल पर आपको मैंने बता दिया इस प्रकार से हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझोगी। इसके अलावा यहां मैं एक चीज और जोड़ सकता हूँ, वित्तीय संस्थानों में मान लें मैंने RBI को जोड़ दिया, तो दोस्तों RBI गवर्नमेंट की संस्था है। अब RBI भी मान लें कि COVID-19 के दौरान जोड़ू, तो RBI को COVID-19 के दौरान ज्यादा ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ानी थी, तो गृहस्थों की क्या बढ़ानी थी, इनकम, इसलिए उनको सस्ता लोन प्रोवाइड करवाया, इनको निवेशकों को भी सस्ता लोन प्रोवाइड करवाया, रेपो रेट है वो घटा दी गई थी ताकि बैंक सस्ता लोन उनको प्रोवाइड करवाए। ये COVID-19 के दौरान की बात है। हाल फिलहाल में RBI ने कल भी, अगर आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा होगा, तो चूंकि COVID-19 के दौरान हमने बहुत सारी छूट दे दी, इसकी वजह से जो मौद्रिक नीति है बहुत लचीली ले ली और बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया, इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, मुद्रा की वैल्यू बढ़ने लग गई। इनको कंट्रोल करने के लिए दोबारा RBI ने क्या किया, अपनी रेपो रेट को बढ़ाना चालू कर दिया, स्ट्रिक्ट मौद्रिक नीति को अपनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों में ये चीज़ें शामिल होती। अभी तक हमने 4 फैक्टरों को जोड़ा, लेकिन जब कोई इकोनॉमी शेष विश्व के साथ अपना संबंध करती है, विशेषकर 1991 के बाद हमने अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को शेष विश्व के साथ जोड़ा, आज हम विभिन्न देशों के साथ निवेश करते हैं, हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, विदेशी लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी इसमें शामिल हो गई। तो अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, वही बात है, देखो अगर मान लें गृहस्थ गए हमारे यहाँ से, और गृहस्थों को क्या मिलेगी, उनकी फैक्टर इनकम मिलेगी, क्योंकि ये भी जो फैक्टर इनकम है, इसी प्रकार बाहर से भी गए तो ये भी फैक्टर इनकम हो जाएगी, वो अगर लगान, ब्याज, मजदूरी, जो भी चीज़ अगर देंगे तो क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। तो अगर मान लें हमारे यहाँ से जाने वाले ज़्यादा, हमारे यहाँ काम, हमारे यहाँ जो रिसीव हुई फैक्टर इनकम वो ज़्यादा है, और गई हमारे यहाँ से जो, क्योंकि हमारे लोग अगर बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ काम करने जाते हैं, तो उनको वो भी अपनी इनकम बाहर लेके जाते होंगे, तो नेट फैक्टर इनकम प्लस में तब होगी जब हमारे लोग ज़्यादा गए हो, उनके लोग कम आए, तो हमारे यहाँ से इनकम ज़्यादा आई हो और उनके वहाँ से इनकम कम गई हो उनके वहाँ, तो उस प्रकार के इनकम को बोलेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके अलावा NTP नेट ट्रांसफरेबल जो पेमेंट है, हस्तांतरणीय इनकम है, चंदा, सबसे छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, तो अगर हमें यह ज़्यादा प्राप्त हुई है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक, IMF और विभिन्न प्रकार के NGO और ये बिल गेट्स फाउंडेशन, ये गरीब देशों में जाकर के, भारत जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रियों में गरीब बच्चों के लिए, पोषणता के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फंड प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे फंड इसमें आते हैं NTFP पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्पादक का संबंध क्या होता है, देखो अगर उत्पादक आया तो निर्यात करता है, आयात करेगा, अगर इसका आयात ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे आयात रिसिप्ट, इम्पोर्ट रिसिप्ट, और अगर निर्यात करेगा तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों में ये 5 जो फैक्टर है, 5 जो स्टेक होल्डर है, वो आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, ठीक है। अब जो शब्दावली मैंने ऊपर यूज की थी उन्हीं को हम समझते हैं नीचे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे NFI आपने सुना होगा बहुत जगह, NFI क्या है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि देखो भारतीय नागरिक एक और तो हो गए इंडियन सिटीजन, और ये हो गए फॉरेनर, ठीक है। अगर इंडियन लोग बाहर गए
काम करने के लिए, मान लो 10 लोग बाहर गए और ये काम करके आया और ये 1,000 की इनकम लेके आया, तो ये इनकम भेजेंगे भारत में तो ये इनकम आएगी इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा फॉरन लोग जो इंडिया में काम कर गए ये पैसा लेके जाएंगे बाहर, ये हो गए मान लो 500 रुपये। तो यदि हमारे यहाँ आया 1,000 रुपये और गया हमारे 5,000 रुपये, तो ये नेट होगी, इनमें से घटाने के बाद जो नेट बचेगी वो होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कितनी होगी 5। अगर अगर हमारे यहाँ से जाने वाले इनकम ज़्यादा है और आने वाले इनकम कम है, तो ये नेट फैक्टर इनकम किस में होगा, माइनस में, ठीक है ना, ऋणात्मक होगा। और यदि हमारे यहाँ आने वाली ज़्यादा है और जाने वाली कम है, तो ये प्लस में होगा। और नॉर्मली आप सभी को पता है कि भारतीय लोग विदेश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भारत की हमेशा प्लस में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं और वो हमें भेजते हैं। तुलनात्मक रूप से हमारे यहाँ इतने लोग बाहर से काम नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही श्रम बहुत ज़्यादा है, लोग एक्सपर्ट हैं और ज़रूरत इतनी है नहीं, ठीक है। ये हो गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये एक होते नेट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है, ठीक है ना, नेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक ठीक इस प्रकार से डोनेशन, चंदा। हमारे यहाँ ज्यादा आया और विदेश में कम गया तो हम प्लस में होंगे, और यदि हमारे लोग ज्यादा बाहर चंदा दे के आए और हमारे यहाँ कम आया तो हम माइनस में होंगे। इनको बोलते हैं नेट हस्तांतरण, इनकम पेमेंट या भुगतान। दो शब्द आपने समझे होंगे, NFIA और NTP। देखो इन चीजों को अगर आप इनको समझ गए, तो जो भी लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इकोनॉमी पढ़ने के लिए, इस पूरे चार्ट को समझ जाएंगे, तो पूरी आर्थिक क्रियाकलापों को समझ जाएंगे, एक चीज को दूसरे से आप अपने आप कनेक्ट करने लग जाएंगे कि सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है, सरकार जो हस्तांतरण इनकम है क्यों प्रोवाइड करवाती है, सरकार का विदेशों से, उत्पादक का विदेशों से क्या संबंध होता है और गृहस्थ का विदेशों से क्या संबंध होता है, किस प्रकार से एक्टिविटी चलती है, कैसे पैसा आता है कैसे जाता है, वो सारी चीजें इस चार्ट के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए इसमें इतना टाइम हमने दिया। अब थोड़ा सा बेसिकली अब चालू करते हैं हमारे GDP को लेकर के। तो सबसे पहले हम आप कुछ टर्मिनोलॉजी है जो राष्ट्रीय इनकम से जुड़ी हुई है, सबसे पहले देखते हैं हम GDP। तो दोस्तों GDP क्या होती है, कि किसी देश की घरेलू सीमा, जैसे इंडिया की घरेलू सीमा ये। अब घरेलू सीमा कौन कौन सी है, एक तो भारत की राजनीतिक सीमा जो इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक सीमित होती है। तो किसी देश की घरेलू सीमा में उसके सभी निवासी, अब दोस्तों ध्यान रखना सभी निवासी ना कि नागरिक, अब सभी निवासियों में नागरिक भी है और गैर नागरिक भी, क्योंकि विदेशी लोग भी भारत में 6 महीने से ज्यादा रहते हैं, 1 वर्ष से ज्यादा रहते हैं, 2 वर्ष से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके पास वीजा होता है, तो वो भी आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदार निभाते हैं, तो भारत के अंतर्गत वो भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। तो सभी निवासी घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासी द्वारा 1 वर्ष अवधि में, और हमारे यहाँ वर्ष अवधि क्या है, वित्तीय वर्ष, जो क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 वर्ष अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम क्या होते हैं, अंतिम मूल्य को क्या करते हैं हम मापन करते हैं, और अंतिम मूल्य को मापन करते हैं वही क्या होती है हमारी GDP। यानी कि किसी देश की घरेलू सीमा के सभी निवासियों द्वारा 1 वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं हम GDP बोलते हैं, ध्यान रखना। अब GDP को देखो, समझने के लिए आपको कितनी चीजें करनी पड़ेगी, ये तो बेसिक सी एक परिभाषा है जो आपको आनी चाहिए, लेकिन अब एक एक टर्म को हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें मैंने एक तो घरेलू सीमा दिया, कई बार क्वेश्चन आता है घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीजें आती है, ध्यान रखना। तो देखो घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा एक तो हमारी राजनीतिक सीमा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आप बताए अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये मतलब राजनीतिक सीमा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है, नॉटिकल मील आपने सुना होगा, तो यहां तक जो क्षेत्र है ये पूरा भारतीय घरेलू सीमा होगा, ठीक है, ये घरेलू सीमा होगी, ये भी शामिल होगा। इसलिए इसके अलावा दूतावास और हाई कमीशन, ध्यान रख, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये इंडिया है, आपने दिल्ली में देखे होंगे, दिल्ली में USA का दूतावास है, दिल्ली में बहुत सारे देशों का, सारे देशों का दूतावास है। तो दोस्तों उस दूतावास के अंदर इनकम जो जनरेट होगी ना दूतावास में, दिल्ली में दूतावास है अमेरिका का, तो वो भारतीय GDP में शामिल नहीं होगी, वो अमेरिका की GDP में शामिल होगी, लेकिन भारत के जो दूतावास अमेरिका में है, अन्य देशों में, अमेरिका में स्थापित भारतीय दूतावास में जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की GDP में शामिल होगी, ध्यान रखना। दोबारा में फिर बोल रहा हूँ, दूतावास जो भारत के दूतावास विदेशों में शामिल है, हाई कमीशन जो विदेशों में है, वहां से होने वाले इनकम इंडियन GDP में आएगी, लेकिन इंडिया में रहने वाले, ठीक उसी प्रकार से अगर अमेरिका का दूतावास भारत में है तो उसकी GDP में यहाँ से इनकम जो जाएगी उसके दूतावास से उसकी GDP में शामिल होगी। तो दूतावास का मतलब समझ लें, क्योंकि ये भी ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ लें, कि हमारे यहाँ अमेरिका का जो दूतावास है उसमें अमेरिका का कानून ही अंदर चलेगा, उस बाउंड्री के अंदर अमेरिका का ही कानून चलेगा, ठीक इसी प्रकार से इंडिया का दूतावास यदि अमेरिका में है तो वहाँ इंडिया का ही कानून चलेगा, तो अमेरिका में स्थापित इंडिया के दूतावास से होने वाले इनकम इंडिया की GDP में शामिल होगी, और भारत में स्थापित अमेरिकी दूतावास से इनकम अमेरिकी GDP में शामिल,
ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा दूतावास हाई कमीशन होगा, ये हो। इसके अलावा दोस्तों जो जलयान है वायुयान एयरलाइंस होती है, जलयान है वायुयान ये सब, जैसे मान लो भारत, कोई भारत की एयरलाइंस अमेरिका में गई है तो वो भारत की जीडीपी में शामिल हो गई, और कोई अमेरिका की एयरलाइन भारत में आई है वो यूएसए की जीडीपी में शामिल हो गई। इसी प्रकार से ये जो जलयान है इनकी भी बारे में यही बात है। तो जीडीपी में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसकी घरेलू सीमा में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, इन जो चीज़ें मैंने समझाई इनको समझ। कई बार ये देख के आते हैं भाई निवासी नहीं, इसमें सभी लोग आते हैं, नागरिक भी गैर नागरिक। अगर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो जो लोग हमारे आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है वो सभी इसमें शामिल हैं। अब ध्यान रखना ये चीज़ आगे समझने के लिए, भाई जो भारत विदेशी नागरिक हैं वो तो बाहर ले जाएंगे अपनी इनकम को, और बाहर में भारत में भारत से बाहर बसे हुए लोग हैं वो भारत से अंदर लाएंगे इनकम को। इसलिए जीडीपी किसी देश की राष्ट्रीय इनकम नहीं होती, जीडीपी सिर्फ ये बताती है कि देश में अंदर उस देश की ज्योग्राफिकल उस देश की घरेलू सीमा में कितने आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, इनको इंकित करती है, ना कि उस देश की इनकम को इंकित करती है। चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर आपने ले लिया, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च, ये वित्तीय वर्ष है, इसके दौरान की हम कैलकुलेट करते हैं। और अंतिम वस्तुएं दोस्तों, अंतिम वस्तुओं को इसलिए करते हैं, जैसे मान लें गेहूं है, बिस्कुट है, और किसी होटल में सर्व हो रहा है, ठीक है। अब गेहूं से जब बिस्कुट बनाया तो ये गेहूं की कॉस्ट किसमें शामिल हो गई, बिस्कुट में शामिल हो गई। और जब ये किसी होटल में सर्व किया तो बिस्कुट में, जब होटल में अगर बिस्कुट सर्व करेंगे तो होटल की कॉस्ट के साथ बिस्कुट की कॉस्ट सब उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इसलिए हम अंतिम वस्तु अंतिम टाइम पर उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि यदि हमने ये भी कैलकुलेट किया फिर इसको भी कैलकुलेट किया तो इसमें भी गेहूं आ गया, इसमें भी गेहूं आ गया, यहाँ भी गेहूं आ जाएगा, तो ट्रिपल टाइम ये गेहूं का कैलकुलेशन होगा। तो कच्चे माल का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीपल टाइम उसका कैलकुलेशन होगा, इसलिए हम जीडीपी की वास्तविकता को नहीं पहचान पाए कि सच में कितना उत्पादन हुआ है। इस प्रकार की दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु अंतिम जो कंज्यूमिंग करते हैं उस वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। और दूसरा मौद्रिक मूल्य को इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि हमारे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है और हर वस्तु के मापक अलग अलग होते हैं। जैसे पेट्रोल का मापक लीटर में, चीनी का मापक केजी में, बनाना का मापक दर्जन में। अब अगर किसी भी देश के अंतर्गत हम इतनी सारी वस्तुएं होते हैं उनके अलग अलग मापक होते हैं, तो उनको मापकों के आधार पर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए उनको सबको कन्वर्ट कर लेते हैं मनी में। उनको जैसे केला है 1 दर्जन 12 रुपये तो 2 दर्जन 24 रुपये की, डायरेक्ट उसको मनी में कैलकुलेट कर लें। 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपये का है, 2 लीटर पेट्रोल 160 रुपये का, तो डायरेक्ट उसको 2 लीटर लिखने की बजाय 160 रुपये लिखते हैं। तो चूंकि सभी का मापक अलग अलग होता है और उन सभी के मापक को एक मापक में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पैसे। अब तक ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज़ को समझते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट दो तीन चीज़ें हम आपको बताएंगे, बस वो आपको समझ लें। देखो सबसे पहले एक होता है एक शब्द होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है फैक्टर कॉस्ट आपने सुना होगा, और एक होती है मार्केट प्राइस। दोस्तों अब फैक्टर कॉस्ट को समझे पहले, फैक्टर कॉस्ट क्या है कि भाई जब हम वस्तुओं को उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्पादन तक क्या क्या कॉस्ट आई, तो आपको पता है उत्पादन तक क्या लगती है, उसमें एक तो बीज लगेगी, एक उसमें इंटरेस्ट लगेगा, एक प्रॉफिट लगेगा, और एक रेंट, क्योंकि उत्पादन के जो 4 साधन है वो लगेंगे, और ये 4 साधन लगेंगे तो इनके साधनों में जो हमारी कॉस्ट आई वो हमारी क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट। अर्थात फैक्टर कॉस्ट हमेशा उसमें उत्पादन तक जो लागत आती, उत्पादन तक ध्यान रखना, प्रोडक्शन के दौरान और प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब कोई वस्तु हम उत्पादित करते हैं उसके बाद वस्तु दोस्तों मार्केट में आ गई तो फैक्टर कॉस्ट है, अभी मार्केट में आएगी तो कोई वस्तु के लिए सरकार क्या देती है कि जैसे मान लें एक बीज का आया, बीज आया, कोई उर्वरक आया, मान लें उर्वरक का 600 रुपये की इसकी फैक्टर कॉस्ट आई, ठीक है, तो इसको उत्पादन के दौरान 600 रुपये लग गए, ये इसकी हो गई फैक्टर कॉस्ट। अब 600 रुपये फैक्टर कॉस्ट हो गई, जब ये मार्केट में आएगा तो सरकार चाहेगी किसानों को सस्ता मिले, इसलिए सरकार क्या दे देगी, इसमें सब्सिडी दे देगी, तो सब्सिडी देगी उसको फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऑब्वियसली। अगर मान सरकार ने 200 रुपये की सब्सिडी दे दी तो इसको माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 400 रुपये। और जब जब ये मार्केट में आएगी तो इस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है, तो फिर जो टैक्स लगेगा वो जुड़ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए ये चीज़ें शामिल होती है दोस्तों।
कि फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी तो घट जाएगी लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, क्योंकि सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, इससे उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन उस वस्तु पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है, जीएसटी लगेगी, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज में से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि बेसिक से मुझे पता है कि फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस। अब इसको कैसे भी कर लो आप, इक्वेशन इस तरीके की बनेगी। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, अगर मान लो मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो ये माइनस में सब्सिडी है, मार्केट प्राइस में जाकर के प्लस हो जाएगी, और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगी। ये जो इक्वेशन करना आप जानते होंगे, क्योंकि बराबर इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल के जो बराबर सिंबल है उसके इधर जाकर कोई चीज माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर अगर भाग दिया उधर जाके गुणा हो जाएगी। ये बेसिक सी चीज आपको पता होगी। तो इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम सीख गए होंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोई भी देश की जीडीपी में सबसे पहले उसकी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है फैक्टर कॉस्ट में। और फैक्टर कॉस्ट में बताया था कि उस जीडीपी में लगने वाले जो कॉस्ट है, उस उत्पादन क्रियाकलाप के अंतर्गत लगने वाले कॉस्ट, और उत्पादन क्रियाकलाप में क्या कॉस्ट लगेगी, एक बीज लगेगी, एक इंटरेस्ट लगेगा, एक प्रॉफिट लगेगा और एक रेंट लगेगा। अर्थात जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेज प्लस इनकम प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगी, उस देश की फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जीडीपी एफसी अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे तो बेज इनकम प्रॉफिट और रेंट, ये चारों क्या हो जाएगी, ये शामिल हो जाएंगे किसमें, किसी भी देश की जीडीपी की फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एफसी निकाल लेंगे। अब आप जब आपने मान लो जीडीपी एफसी निकाल लिया, अब आपको इसको मार्केट प्राइस के आधार पर निकालना है। अब ऑब्वियसली दोस्तों किसी भी देश में जीडीपी जो फैक्टर है, अब फैक्टर कॉस्ट है, अब इसको जीडीपी अगर मुझे मार्केट तक पहुंचना है तो मैं इस फॉर्मूले को अपनाऊंगा दोस्तों। क्या करूंगा, माइनस क्या कर दूंगा इसमें सब्सिडी, और प्लस क्या कर दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स बराबर जीडीपी एमपी। मतलब कोई नई चीज नहीं की है मैंने, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को मार्केट कॉस्ट में बदलने के लिए, मार्केट प्राइस में बदलने के लिए मैंने क्या किया, सब्सिडी को घटा दिया और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया। अगर किसी देश में सब्सिडी बहुत ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स कम है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में अगर सब्सिडी ज्यादा है और अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम है, ऐसी स्थिति में जीडीपी एमपी, जीडीपी फैक्टर, कुछ देश की जीडीपी की फैक्टर जो लागत है वो ज्यादा होगी। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं मैं इसको। जैसे भाई जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मान लिया किसी भी देश की जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ रही कितनी, 800 रुपए मान लिया। अब उस देश में सब्सिडी मान लिया 100 रुपये, सब्सिडी कितनी है 100 रुपये और टैक्स कितना है 80 रुपये। तो अगर हम इसको इस पे जाना है कि इस पे जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी एमपी पे पहुंचना है, तो देखो 800 माइनस 100 रुपये प्लस 80 रुपये, तो 800 में से माइनस गए 7, तो ये कितना हो गई 780। अर्थात जीडीपी एमपी बराबर 780, जीडीपी एफसी 800 थी, ये 780 हुई। ये कब हुई, जब सब्सिडी ज्यादा है, किससे, इनडायरेक्ट टैक्स। अर्थात सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है तो जीडीपी एफसी ज्यादा होगी। और इसका जस्ट अपोजिट, यदि मैं मान लेता हूं इसको 80 कर देता हूं इनडायरेक्ट टैक्स को, और सब्सिडी को मान ले मैं 80 कर देता हूं और इनडायरेक्ट टैक्स को यदि मैं 100 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 820 रुपये। तो यदि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है सब्सिडी से तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, और यदि इनडायरेक्ट टैक्स कम है सब्सिडी से तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो। पहले भारतीय जीडीपी हमेशा फैक्टर कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट होती, वर्तमान में भारतीय जीडीपी का प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस पर डिसाइड किया। और चूंकि आपको सबको पता है कि हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स सामान्यतः इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जीडीपी एमपी हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी। आपको पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट तभी ज्यादा होगी जब सब्सिडी इनकम इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में ज्यादा हो, और यदि सब्सिडी की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है तो मार्केट प्राइस ज्यादा। ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब इन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। अब ये हो गई, ये इसके अलावा हमने पढ़ा कि जीडीपी, अब जीडीपी को एमपी में निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बस खत्म। अब दोस्तों ये तो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
लेकिन एक होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी में तो देखो अब आपने जब आर्थिक क्रियाकलाप समझे होंगे है ना, तो अभी जब आपने आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाकलाप समझे होंगे तो इस देश की इसके अंतर्गत होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जीडीपी में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा भी होगा कि बहुत सारी विदेशी कंपनी है उत्पादन कर रही होंगी तो अपने इनकम को ले जाएंगी बाहर, बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ काम करने लेंगे वो अपने इनकम को ले जाएंगे बाहर। ठीक इसी प्रकार से बाहर अमेरिका में काम करने वाले इन कंपनियां भारत में, भारत की विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो अमेरिका ब्रिटेन में काम कर रही हो वहां पैसा भेजेगी। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादन किए जाने वाली समस्त वस्तुओं को जो उत्पादन को हम शामिल करेंगे वो आएगा जीएनपी में। अब भारतीय नागरिकों को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे कि हमारे लोग बाहर से कितने लाए और हमारे यहाँ से बाहर का कितना गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना जीडीपी में, अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम जो मैंने आपको बताई थी अगर उसको घटाएंगे तो उसके बाद जो आएगा वो होगा जीएनपी। क्योंकि डोमेस्टिक से हमें किस में जाना है, नेशनल में, तो डोमेस्टिक में तो घरेलू है और बाहर के लोग भी शामिल हैं। उसको अगर केवल हमारे घरेलू लोग हमारे नागरिकों को ही शामिल करना है तो बाहर के लोगों को घटाना हमें पड़ेगा। इसलिए NFIA का मतलब यह है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारे यहाँ से ज़्यादा गई है और हमारे यहाँ से कम आई है तो हम नेगेटिव चले जाएंगे, और हमारे यहाँ ज़्यादा आई है और विदेश में कम गई है तो हम प्लस में चले जाएंगे। अर्थात ये होगा इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर अगर एक चीज़ इसमें यह है कि आई का मतलब है भारतों द्वारा विदेशों से अर्जित की गई आय, और एक्स का मतलब विदेशों द्वारा भारतीयों से अर्जित की गई आय। अब अगर विदेशी लोग ज़्यादा करेंगे तो एक्स बड़ा हो जाएगा आई छोटा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम चली जाएगी। अगर हमारी नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जीडीपी में से एनएफआईए नेगेटिव घटेगी तो जीएनपी कम हो जाएगा, और यदि हमारी एनएफआईए पॉजिटिव है तो जीडीपी में एनएफआईए जुड़ेगा तो हमारी जीएनपी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं एक छोटी सी शब्दावली आपसे बोल दूँ, अगर आपको समझना है बेसिकली, जिनको जीरो से समझना है उनके लिए इतना सा एक फॉर्मूला है कि देखो तीन फॉर्मूले उनको याद रखने, सब कुछ उसी में हो जाएगा। देखो अगर एफसी से अगर आपको एमपी तक जाना है तो क्या करना होगा, माइनस सब्सिडी प्लस डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए। अगर एनएफआईए आपका प्लस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस में तो घट जाएगा। ठीक है, अब एक और होती है इसके अलावा नेट होता है। नेट नेट का मतलब क्या होता है, नेट आपने सुना होगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों जब किसी भी देश में या किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में हम वस्तुओं सेवाओं साधनों का यूज करते हैं तो उनका एक डेप्रिसिएशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन ले गया है तो मशीन जब एक साल चलेगी तो इसका कुछ मशीन का भी डेप्रिसिएशन होगा, इसकी वो क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी ये नई में थी, तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम शामिल करते हैं उनका डेप्रिसिएशन होता है। तो नेट में जाने के लिए ग्रॉस से नेट में यदि मुझे जाना था तो डेप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं। तो आपको तीन फंडे याद रखने हैं जो हमेशा याद रखने, एक एफसी से एमपी में जाने के लिए, एक डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए नेशनल में जाने के लिए, और एक नेट में ये ग्रॉस से नेट में जाने के लिए। अर्थात ये तीन फंडे याद है, आप सब कुछ कर लेंगे। देखिए अगर मुझे ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो मैं मूल्यह्रास को हटा दूंगा डेप्रिसिएशन को, अगर मुझे घरेलू से राष्ट्रीय में जाना है तो एनएफआईए को घटा दूंगा, अगर एनएफआईए प्लस में है तो मेरी राष्ट्रीय इनकम बढ़ जाएगी, अगर एनएफआईए माइनस में है तो मेरी राष्ट्रीय इनकम है वो घट जाएगी। इसी प्रकार फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, देखना ये तीन फॉर्मूला को अपनाते हुए आप सारे ये फंडे यूज कर सकते हैं, बस कोई जल्दबाजी बात है नहीं। और दोस्तों भारत में जो नेशनल राष्ट्रीय आय है उसको NNPFC पे कैलकुलेट किया जाता है। अब NNPFC मतलब है ये कम निकलेगी, पहले तो जी में से हमें एन पहुंचाना है और डी में से हमें एन पहुंचाना है, तो आपको पता है फॉर्मूला ऊपर वाला यूज कर लें। तो अगर मुझे जीडीपी एफसी में से मुझे अगर एनएनपी निकालनी है, एनएनपी एफसी निकालनी है, तो पहले क्या करूंगा, जीडीपी एफसी में से मैं एनडीपी एफसी निकालूंगा, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, जीडीपी एफसी में से मूल्यह्रास कर दूंगा, उस प्रकार से मेरी क्या लग जाएगी एनडीपी एफसी, और एनडीपी एफसी से मुझे एनएनपी एफसी तक पहुंचना है तो NDPFC माइनस NFIA कर दूंगा, तो इससे मैं इस पे आ जाऊंगा। तो जो किसी देश की राष्ट्रीय इनकम है वो ये है, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी राष्ट्रीय इनकम है NNPFC है, और पर कैपिटल इनकम टोटल इनकम कम जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारी पर कैपिटल इनकम आ जाए। ये बेसिक से फंड है जो हमें आपको बताने थे, ठीक है ना, और ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों कई बार होती है कि व्यक्तिगत इनकम के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत इनकम क्या है। आपको व्यक्तिगत इनकम के बारे में हम बता देते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, कई बार एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा है व्यक्तिगत इनकम, तो व्यक्तिगत इनकम में आपको पता है राष्ट्रीय है, पहले देश की इनकम आएगी। व्यक्तिगत इन द सेंस इन द इंडियन की, इंडियन की एक भारत की जो अगर इनकम की बात करें तो नेट भारतीय इनकम किस तरीके से बनेगी, तो राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण इनकम, ऑब्वियसली हमें मिलेगा जो हस्तांतरण इनकम होगा, लेकिन इसके बदले हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है तो घटेगा। तो नेशनल इनकम प्लस पेमेंट, ये दोनों ही मिला, इसके बदले हमने जो हमारा जाएगा क्या, हमारा टैक्स वगैरह है वो चले जाएगा, तब जाकर के बचेगी हमारी पर्सनल इनकम। लेकिन दोस्तों एक होती है व्यक्तिगत प्रोज्य आय, यानी कि डिस्पोजल इनकम, वो डिस्पोजल इनकम जिनको एक व्यक्ति सामान्यतः उसको खर्च कर सके, तो वो कौन सी होगी, व्यक्तिगत आय। लेकिन बहुत विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत टैक्स भी होते हैं, तो उसको व्यक्तिगत टैक्स, ये तो एक तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इनकम ये कैलकुलेट हो रही है व्यक्तिगत इनकम, ये व्यक्तिगत इनकम ये है कि भारत में नेट अगर सब चीज़ घटा करके जो बचेगी वो इनकम ये हो जाए। और व्यक्तिगत प्रोज्य ये है कि इंडिविजुअली उस व्यक्ति को क्या उसके पास क्या उसको खर्च करने योग्य बचेगी, वो उसकी व्यक्तिगत इनकम हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत टैक्स भी होंगे उसके, वो घट जाएंगे। और एक होता है प्रोज्य, यानी कि उपभोग और बचत, यानी कि केवल अब ये वो आय है कि वो आय जो कंज्यूमिंग और सेविंग, मतलब टोटली मुझे मिली। जैसे अगर इसको कैसे देखें, अगर मान लें मेरी सैलरी 10,000 है, 10,000 में से मेरी प्रोज्य आय कितनी निकलेगी, 10,000 माइनस कितना निकल जाएगा, और जो टैक्स है वो निकल जाएगा, तो मान लें 1,000 का टैक्स लगकर 9,000 रुपये मेरी ये इनकम। इसके अलावा मुझे प्रोज्य आय में जाना, प्रोज्य आय का मतलब है कि मान लें 9 में से मैंने 500 रुपये क्या किया, सेविंग कर लिया, और 400 रुपये मैंने क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया, तो ये मिलके बन गई हमारी प्रोज्य। तो ये बेसिकली ज़्यादा इतना ध्यान है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इनके सवाल ज़्यादा ना आकर के सवाल इनके ज़्यादा आते, ठीक है ना, तो वो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ अभी और है, इसमें काफ़ी बड़ा है टॉपिक तो, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कम से कम कर ही ले रहे हैं। एक छोटी चीज़ और देखते कि 2008 में दोस्तों क्या हुआ कि GDP की गणना हमने एक नया चेंज कर दिया। पहले हम GDP की गणना करते थे, अब GVA के आधार पर GVA, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस विधि को अपनाया गया क्योंकि वैश्विक लेवल पर भी इसी विधि को अपनाया जा रहा था, UNO में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, इसलिए हमारे द्वारा भी इसी विधि को अपनाया गया था, क्योंकि हमारे GDP को उन्हीं के समकक्ष लाना था। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था मैं बता दूंगा। इसका उद्देश्य ये था कि देखो हम GDP में कैलकुलेट कर रहे थे, तो GDP में हम अंतिम वस्तु को ले रहे थे। अब मान लें कोई गेहूं है, गेहूं से बिस्कुट बना और बिस्कुट को फिर होटल में बेचा, तो ये सर्विस सेक्टर्स में कैलकुलेट हो रहा था, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें ये पता नहीं लग पा रहा था कि GDP तो हमारी है, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना एक्चुअली में रोल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्चुअली में रोल कितना है, तो हमें सेक्टर वाइज सेक्टर कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा। इसलिए एक नई कैलकुलेशन विधि लेके आए जिसको बोला गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा उसको, इसके लिए हम इसको लेके आए। और इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वस्तु अगर मूल्यवर्धन हो रही है, जैसे मूल्यवर्धन कैसे हो रही है, जैसे मान लें गेहूं है, ये किसान था, जब ये बिस्कुट बना तो आपको पता है कि बिस्कुट बनने के बाद इसमें जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है उसके कर्मचारी भी लगे होंगे, उसकी मशीन भी लगी होगी, तो इससे उस कंपनी इस गेहूं की कीमत बिस्कुट के साथ बढ़ गई। पहले मान लें 5 रुपये केजी गेहूं आ रहा था, अब बिस्कुट आएगा 5 रुपये, 10 रुपये बिस्कुट की कीमत बढ़ जाएगी। फिर ये होटल में जाके बिकेगा तो होटल में होटल सर्विस बढ़ जाएगी, तो होटल में और ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस चूंकि GDP में हम अंतिम को ही शामिल करेंगे, तो बीच में किस किस लेवल पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए एक वैल्यू एडिशन की नई विधि लेके आए थे, उसी विधि को हम कहते हैं GVA। ऑब्वियसली क्योंकि वैल्यू एडिशन किसी भी वस्तु सेवा का वैल्यू एडिशन किस आधार पर होगा, एक तो उसमें कर्मचारी लगे होंगे उनकी कॉस्ट के आधार पर, एक उसमें ऑपरेशन कॉस्ट यानी कि उसको सप्लाई करने में, उसकी इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई कोचिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी में उसका खर्चा होता है, सब उसको चलाने में जो खर्चा होता है ऑपरेशन कॉस्ट, एक स्थिर कैपिटल मान लो कोई भूमि है उस पर भी वो कंपनी अगर बिस्कुट बनाने वाली कंपनी काम कर रही है तो उस पर होने वाला खर्चा भी उसमें शामिल आएगा, और मिश्रित इनकम मान लो उस कंपनी में घर के रिश्तेदार भी आपस में काम कर रहे हैं, भाई भाई काम कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट तो उसमें शामिल होगी नहीं क्योंकि वो तो घर के लोग हैं, तो उसको भी चूंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेक्टर वाइज कैलकुलेट करने में चारों चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। इसलिए किसी भी वस्तु और सेवा का कीमत तब बढ़ती है जब उसमें कॉस्ट भी लगेगी, तो किस किस लेवल पे क्या क्या कॉस्ट लगी है
किस किस लेवल पर वस्तु का क्या क्या एडिशन हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेके आए जीबीए। अब देखो एग्जाम्पल अगर देखें जीबीए का, तो देखो कैलकुलेशन तो आएगी वही सेम। जैसे मैं आपको देता हूँ, एक बोल लेते हैं हम जीडीपी को, एक बोल लेते हैं हम जीबीए, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर गेहूं की बात करूँ, मैं गेहूं से ले रहा हूँ क्योंकि गेहूं से जैसे बिस्कुट बनेगा, इसलिए एग्जाम्पल इसका देता हूँ। गेहूं की बात करूँ, ये किसान के पास है, तो किसान की अगर मान लेते हैं हम कि मान लेते हैं किसान के पास जब गेहूँ उसके घर आया, तब नॉर्मली उसको माना 100 रुपये उसको क्या आया, 100 रुपये में नॉर्मली ये मानेंगे चलो किसान को लागत नहीं लगे, मतलब जब तक लागत तो एग्रीकल्चर लागत लगोगे, लेकिन किसान के घर में वो गेहूँ है तो उसके अगर वो खुद बिस्कुट बनाएगा तो उसकी नई लागत उसको नहीं देनी पड़ेगी, तो उसी किसान की लागत उसमें मान लें 0 होगी। लेकिन किसान चूंकि इसको कुछ लाभ कमा करके इसको देना चाहेगा, तो उसने कितना किया वैल्यू एडिशन, देखो वैल्यू एडिशन कितना किया उसने, 100 रुपये वैल्यू एडिशन किया। इस आधार पर उस वस्तु कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये। गेहूं कीमत 100 रुपये हो गई, ठीक है ना। एक बार दोबारा चित्र बनाता हूँ, ये थोड़ा समझ लेना, इससे आप अपने आप समझ जाएंगे। जो SNA का नया फंड आया है, सिस्टम ऑफ नेशनल जो इनकम वाला, ये देखो इसमें मान लें ये तो है वस्तु लिख लेंगे, एकदम इसमें वैल्यू एडिशन लिख लेंगे, फर्दर GDP जो अंतिम जो वस्तु बेची जाएगी। देखो अगर कोई वस्तु है गेहूँ है, इसमें वैल्यू एडिशन किसान ने करके दिया 100 रुपये क्योंकि उसको लाभ कमाना था, तो अगर किसान के लेवल पर इसकी GDP कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपये होगी। वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 100 रुपये। इसके बाद जब ये गई किसी होटल में विनिर्माण के लिए गई, तो विनिर्माण मान लें विनिर्माण वाली कंपनी के लिए लागत कितनी हुई, 100 रुपये, क्योंकि उसने किसान से 100 रुपये में खरीदा है। फिर इसमें वो एडिशन करेगा अपना, उसमें लाभ भी देखेगा, अपनी कॉस्ट भी देखेगा। इसने इसको 50 रुपये एडिशन करके दिया, कितना एडिशन किया, 50 रुपये। अब इसकी कीमत कितनी होगी, 150 रुपये। ये कहाँ चली गई, होटल में, बिस्कुट होटल में चला गया, तो होटल के लिए क्या लागत कितनी होगी, 150 रुपये, क्योंकि उसने 150 रुपये में खरीदा हुआ। अब वो भी पैसा कमाएगा, उसने वैल्यू एडिशन कर दिया 100 रुपये, इस प्रकार इसकी लागत कितनी होगी, 250। तो अंतिम रूप से अगर GDP कैलकुलेट करेंगे तो इसका मूल्य कितना होगा, 250 रुपये, क्योंकि GDP क्या होती है, अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य कितना है इसका, 250 रुपये। तो GDP कितनी होगी, 250 रुपये। अब GVA को कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 100 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 100 रुपये, कितना हुआ, 250 रुपये। तो दोस्तों GDP और GVA में अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम उतना ही आएगा जितना GDP है। बट इससे हमें एक पता ये लग गया कि एग्रीकल्चर वाले ने, किसान ने ज़्यादा कीमत लगाई, मैन्युफैक्चरिंग ने उसकी तुलना में कम कीमत लगाई, और सर्विस वाले ने फिर उससे ज़्यादा लगाई। तो हमें क्षेत्रवार कि सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर में किस लेवल पर उसकी कीमत बढ़ रही है, किस लेवल पर कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने GVA को अपनाया था। बाकी GDP से कोई अलग नहीं है, बट उसको लेवल बाई लेवल कैलकुलेशन करने के लिए हमने GVA को अपनाया। तो GVA को जो अपनाया था, तो सबसे पहले GVA फैक्टर कॉस्ट हुई, GVA फैक्टर कॉस्ट होगी, I प्लस W प्लस जो प्रॉफिट है, जो रेंट है, वही जो GDP FC होती है, GDP है, GVA फैक्टर कॉस्ट होगी, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि GDP FC बराबर GDP GVA FC, क्योंकि जो भी GDP होगी वही GVA होगा, वो हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से अभी समझ लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा और समझना आगे, आपको दो चीज और समझ लेंगे जब जाके आप इसको समझ पाएंगे, दो शब्द आप समझेंगे, एक होगा प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, और एक होगा प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी। अब इन दो शब्दों को, एक तो प्रोडक्शन और एक प्रोडक्ट, इनको समझना होगा, इनको समझने के लिए हमें नीचे जाना है। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन प्रोडक्ट सब्सिडी, देखो प्रोडक्शन का मतलब है कोई वस्तु का उत्पादन हुआ या नहीं हुआ, वहां जब तक वो कंपनी लगी है, वहां जब तक उस चीज का उत्पादन हो रहा है, तब तक उसमें आने वाले जो टैक्स है वो सारे प्रोडक्शन टैक्स में शामिल है, अर्थात इसका वस्तु और सेवाओं की कीमत से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जांपल यदि मान लो स्कॉर्पियो वाली कंपनी है, स्कॉर्पियो गाड़ी बनाती है ना, अब स्कॉर्पियो बनाने वाली कंपनी है तो इसको पहले लैंड की जरूरत पड़ी होगी, तो लैंड पे इसने क्या दी होगी, स्टाम्प ड्यूटी दी होगी। फिर इसको मशीन की जरूरत पड़ी होगी विभिन्न प्रकार की, तो मशीन पे इसने टैक्स दिया होगा, ठीक है, और जो लैंड है उस पर भी इसने कुछ रेवेन्यू टैक्स भी दिया होगा। अब ये चीज़ तो इसने कंपनी स्थापित करने के लिए जो स्कॉर्पियो है उसके मालिक ने दी है, अब वो स्कॉर्पियो का उत्पादन करे या मत करे ये टैक्स तो उसका चला है, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन टैक्स। चाहे वो इस भूमि में से 2 गाड़ी बना चाहे 50 गाड़ी बना, उसको एक फिक्स टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के
मात्रा से प्रोडक्शन टैक्स का कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उत्पादन तक लगा। लेकिन जब ये वस्तु उत्पादित होकर के मार्केट में आ गई है और उसके बाद इसमें लगने वाला जो टैक्स है, जैसे मार्केट में जीएसटी लग जाएगा इस पर, ठीक है, या सर्विस टैक्स लग जाएगा, कोई भी टैक्स लग जाएगा, तो ये किस पे लगता है दोस्तों? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। तो ये वस्तु की मात्रा पे लगता है। अगर एक गाड़ी लेके आएगा मार्केट में एक, तो इस पे एक गाड़ी पे इसको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर दो लेके आएगा दो पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टैक्स है वो प्रोडक्शन के बाद लगता है और वो वस्तु बाई वस्तु इकाई के आधार पर लगता है, वो है प्रोडक्ट टैक्स। इन दोनों का अंतर इतना सा ही आपको समझ, ठीक। इसी प्रकार से होती है सब्सिडी का। भाई अगर मान लें कोई व्यक्ति, अगर आपको देखा आगे सब्सिडी का भी यही संबंध है, कोई अलग बात नहीं। जैसे कोई आप स्कॉर्पियो ने कंपनी लगाई, कंपनी लगाने के लिए उसको लैंड की जरूरत पड़ी उसको, तो सरकार ने लैंड पे जो स्टाम्प ड्यूटी, कुछ सरकार ने लैंड पे उसको कह देती सब्सिडी दी कि भाई चलो आप खरीद रहे हो, कुछ हम आपको सब्सिडी देते हैं, लोन की सब्सिडी देते हैं, कुछ चीज़ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसकी सब्सिडी आपको देती। तो अगर ऐसी चीज़ पे अगर आपको सब्सिडी मिली है, अब आप एक स्कॉर्पियो बनाओ उस गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके या दो बनाओ, आपको सब्सिडी फिक्स से मिल गई उस लोन पे या उस लैंड पे, तो एक बार मिलती है। और वस्तु और सेवाओं की मात्रा से इसका कोई संबंध नहीं रहता। आप 10 उत्पादन करो, 5 उत्पादन करो, आपको 1000 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, 1000 रुपये ही रहेंगे, चाहे आप एक भी वस्तु का उत्पादन मत, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट सब्सिडी है मार्केट पर डिसाइड की। जैसे आपको पता है रासायनिक उर्वरक पर एक बैग आता है रासायनिक उर्वरक का, सरकार उसमें 200 रुपये सब्सिडी देती है। तो जब 200 रुपये सब्सिडी देगी एक बैग पर, दो बैग आएगा तो 400 रुपये, तीन बैग आएगा 500। तो सरकार जो मार्केट के मार्केट में किसी वस्तु की कीमत कम करने की सब्सिडी देगी वो होगी प्रोडक्ट सब्सिडी। तो चार शब्द आप समझ गए होंगे, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है ना। यानी कि ये तो उत्पादन तक रहती है, ये मार्केट तक रहती है। अब इन्हीं के आधार पर हम ऊपर देखते हैं चीज़ें। देखो चार चीज़, जीबीए, बीपी, बेस प्राइस बोलते हैं इसको, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ये आपको पता है। देखो पता क्या है कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जीडीपी एफसी बराबर जीबीए एफसी बराबर होगा, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेशन करके पहले ही देख चुके कि वैल्यू एडिशन वाली जो जीबी है वो जीडीपी के इक्वल होगा। बट जीबीए से हमें फर्क ये पड़ जाता है कि जीबीए से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि सेक्टर बाई सेक्टर कितना एडिशन हुआ है। तो अब देखो जीबीए एफसी हमने निकाल दिया क्योंकि जीडीपी एफसी है वही जीबी एफसी। यानी कि अगर मैं जीबीए, अगर मैं दोबारा बोलूँ जीबीए एफसी बराबर क्या होगा, इन आई यानी इंटरेस्ट पे कर दिया, बेस दे दी, प्रॉफिट ले लिया और रेंट, ये कॉस्ट आ गई, जो इनपुट जो हमारे चार साधन हैं उन पे कॉस्ट लगती है उसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो गया आपका जीवी एफसी। अब आपको बेस प्राइस में जाना है। अगर फैक्टर प्राइस से, फैक्टर कॉस्ट से यदि आपको बेस प्राइस में जाना है, तो दोस्तों फैक्टर कॉस्ट से बेस प्राइस में जाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्शन टैक्स जोड़ना, प्रोडक्शन टैक्स है वो तो जोड़ना होगा, प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी और घटाना। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट तो निकाल ली दोस्तों कि भाई वस्तु और सेवाओं मेरा इतना टाइम लगा, इतना मेरी कॉस्ट लगी, लेकिन जब आप वस्तु और सेवा उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी रियल में कोई चीज़, अब मान लें कि ये बेस प्राइस का मतलब है कि अगर ये कंपनी डायरेक्ट, अगर ये स्कॉर्पियो नाम की जो गाड़ी है अगर डायरेक्ट कंपनी से बिके तो कंपनी में इसकी प्राइस क्या होगी, मतलब कंपनी में अंदर जब बन के तैयार होगी, कंपनी के अंदर ही रखी हुई है, तब इसकी प्राइस क्या होगी। तो इसकी प्राइस है कि जीवीए फैक्टर कॉस्ट तो है ही, क्योंकि ये तो उसकी साधन लागत लगी लगी, इसके अलावा उसको प्रोडक्शन टैक्स है वो जोड़ना पड़ा भाई, उसको जब जमीन खरीदी तो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ी, तो स्टाम्प ड्यूटी को उसमें जोड़ेगा, और माइनस उस दौरान उसको मिलने वाली सब्सिडी। तो ये तो उस दौरान है जब तक वो गाड़ी उसके अंदर है, उसको अभी मार्केट में नहीं लेके, तब तक की उसकी जो प्राइस होगी उसको बोलेंगे बेस प्राइस। ये कम से कम उसका बेस है, इतनी वो प्राइस डिसाइड करेगी। अगर मान लो उसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी 1000 रुपये, अगर उसका प्रोडक्शन टैक्स उसको 200 रुपये देने पड़े, सब्सिडी उसको 100 रुपये मिली, तो बेस प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी 1100 रुपये। तो उस वस्तु की बेस प्राइस इतनी प्राइस डिसाइड करेगा, उसको बोलेंगे जीबीए बेपी। अब जब बेस प्राइस के आधार पर उसने डिसाइड किया तो उसके बाद मार्केट प्राइस आती है। मार्केट प्राइस वही है कि जब बेस प्राइस आपको इसको बोलेंगे जीबीए बीपी बोलेंगे, एफसी नहीं जीबीए बीपी। जब ये जीबीए बीपी में आया तो फिर इसमें प्रोडक्ट टैक्स जुड़ेगा, जीएसटी जुड़ गया और सब्सिडी घटेगी, जैसे सरकार ने सब्सिडी दी थी वो। तो मान लें अगर इसकी 1100 रुपये है, जीएसटी इसमें 300 रुपये जुड़ गया और सब्सिडी इसमें 200 रुपये हो गई, तो इसकी मार्केट प्राइस हो गई 1200। इस प्रकार से जीबीए एमपी मार्केट प्राइस हो जाएगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो सेम टू सेम वही है। बस ये सेक्टर वाइज सेक्टर कैलकुलेट करने से हमें पता लग जाएगा कि किस लेवल पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। अब बेस प्राइस से हमें पता लग जाएगा कि कंपनी ने बनाया तब तक कितना इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, जब कंपनी इसको मार्केट में बेचा तब कितना वैल्यू एडिशन हुआ, इसके आधार पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और यही बात लिखी हुई है, अगर बेस प्राइस से
अगर फैक्टर प्राइस से आपको बेस प्राइस में जाना है तो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी करना होगा, और अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो बेस प्राइस में प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी करना होगा। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन शब्दों का जरूर ध्यान रखना, उत्पादन और उत्पाद, ठीक है ना। इस आधार पर दोस्तों अब आप खुद अपने लेवल पर कैलकुलेट करना जीडीपी की एफसी कॉस्ट पर, जीडीपी की एमपी कॉस्ट पर, इसके अलावा एनडीपी की एफसी कॉस्ट पर और एमपी पर, इसी प्रकार से जीएनपी की एफटी को एफसी कॉस्ट पर, और ऐसे इतने समीकरण बन जाएंगे, इतने इक्वेशन बन जाएंगे। लेकिन आपको ये तीन फंडे याद रखने, बस तीन जो पांच फॉर्मूले अगर आप बेसिकली याद रख पाए तो आप कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। इस ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा, और वो क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे यूपीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको घुमा के एग्जाम आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। एक सवाल ऐसे दे सकता है कि अगर किसी वस्तु की जो स्टाम्प ड्यूटी थी वो 500 रुपये थी, उस वस्तु का उत्पादन उसने किया, ठीक है ना, तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी जो आई वो किस में शामिल होगी, प्रोडक्शन सब्सिडी में या प्रोडक्ट सब्सिडी में। तो ऐसी प्रकार की चीज़ें जब आप समझ के पढ़ेंगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले आपको वही है कि अगर एफ सी से एम पी में जाना है तो प्लस डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यदि आपको नेट से ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगर आपको डोमेस्टिक से अगर नेट में जाना है तो एनएफआई, नेशनल में जाना है तो एनएफआई, अगर आपको बीपी से एफसी में जाना है, मतलब एफसी से बीपी में जाना है ये वाला फॉर्मूला, एनपी में जाना है ये वाला फॉर्मूला। ये चार पांच फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, समझ समझ के करना है, वैसे याद होने वाले नहीं है, अगर आपने समझ नहीं याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको समझें, ये टॉपिक ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ गए बहुत सारी चीज़ें इससे कोरिलेटेड करते हुए आप एग्जाम हॉल में सवाल सही कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से किसी देश की अगर कॉस्ट बढ़ रही है, सबसे इनकम टैक्स बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, तो मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप इन फॉर्मूलों के माध्यम से ही कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपकी पहली शर्त है कि आप इनको अच्छे समझें और तभी जाकर के इनको करें। आगे फिर हम नेशनल इनकम और इससे जुड़ी हुई कुछ फैतून गति जो मेथड है उनको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए दोस्तों। और जो ये शुरू की जो आर्थिक क्रियाकलापों का जो फंडा मैंने आपको समझाया था, ये चित्र, इस चित्र को एक बार जरूर समझें, इसको जरूर समझना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जोड़ना समझना अपने लेवल पर, कुछ इसमें काम करना तभी जाकर के इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से जल्दी जल्दी आपको वीडियो पढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।